जो श्रद्धा तर्क से विपरीत है वो श्रद्धा मिट्टी के ढेले के समान है। छोटे बच्चा हमारे यहाँ घर में संस्कार होते हुए देखता है, पंडित जी एक पीली मिट्टी का ढेला मंगाते हैं, उसके ऊपर एक कलावा बांधते हैं और कहते हैं इसमें गणेश जी की स्थापना हो गई। ये हमारी धारणाओं में कि हमने कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी है, लेकिन इसको अगर सिद्ध नहीं करा तो वो बच्चा आपको समझेगा नहीं। जैसे कल मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई थी डार्विन की, कि जो यूरोप सिखा रहा है 200 साल पहले वो हम कब से सिखा रहे हैं। तो बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, इस पर राम ने उसे तीर मार दिया छुपकर, और लंका जिताने के बाद विभीषण का विवाह अपने बड़े भाई की पत्नी मंदोदरी से करा दिया। मुझे ये किसी एक सज्जन ने पूछा इसी प्रश्न में, बोले क्षमा 5 बार मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं राम के बारे में इतना खराब सोच रहा हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए, क्योंकि जो श्रद्धा कर्म के बल पर आएगी वो श्रद्धा ज्यादा चिरस्थाई रहेगी। राम ने तो प्रकृति पैदा की है, तो राम सबके दुख से इसलिए सहजता से मिल पाते हैं। प्रश्न वही खड़ा है कि बाली को तो मार दिया, विभीषण की शादी क्यों कर दी। इसे कहते हैं संस्कृतियों का सम्मान करना। भारत की संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में, यह जायज नहीं कि आप अपने बड़े भाई की छोटे भाई की पत्नी के साथ अतिचार कर लें। इसलिए कि बाली को मारते समय बाली को कहा भी कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या समेचारी, इसलिए मारा तुझे मैंने। लेकिन जिस संस्कृति में वहां वो गए थे वहां यह जायज था, वहां आराम से संभव होता था। विपरीत संस्कृति को आदर देने वाला ही राम का सच्चा अनुयायी बन सकता है। मैं एक दिन अपने घर में चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि भरत मिलने के लिए गए तो बहुत सारा सामान लेके गए, उन्हें पता था कि भैया जहां जाएंगे वहां महफिल लगा लेंगे। हमारे स्टाफ में एक बालक है जो टीम में बच्चे काम कर रहे हैं, वो मछली खाता है, तो मछली उनके सामान्य है, मछली खाता है वो। तो मैं बात कर रहा था, उसने वही सवाल पकड़ लिया, एकदम पकड़ लिया। मैं पढ़ रहा था कि भरत पहुंचे तो वर्णन करा तुलसी ने कि मीन पीन पाठीन पुराना भरी भरी भार का हारिन लाना। तो उसने मुझसे कहा एक सेकंड सर, इसमें जो मीन है वो क्या है। मैंने कहा वही जो तू समझ रहा है वही। तो बोला राम के लिए भरत मीन लाए, मछली लाए। मैंने कहा नहीं नहीं, मछली राम के लिए नहीं लाए, उनको पता है कि जहां रह रहे हैं वहां लोग मछली भी खाते होंगे। तो ये जो संस्कृतियों को साथ लेने की कल्चर है, ये जो एक साथ लेने की कल्चर है, ये राम ने सिखाई है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस हॉल में बैठे हुए लोगों की, हम सबको आदर दे। कितने अवतार हुए, कितने पयंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ईश्वर हर बार उतरा और हमने हर बार उसे मंदिर में कैद कर दिया। अपने बच्चों से आप बोलिए कि तुम्हारी उम्र में मैं ये करता था, तो कहेंगे दैट वॉज द अनदर टाइम, वो अलग समय था। हम संघर्ष से बचना चाहते हैं। मेरे पिता का संघर्ष मुझसे भारी था। मेरे पिता 11 किलोमीटर चल के पढ़ने जाते थे, मैं बस पकड़ के गया, मेरी बेटी कार में जाती है। और हमारे बच्चों के संघर्ष की स्थिति ये हो गई है कि अगर बस जो लेने आती है स्कूल की, अगर वो 200 मीटर दूर है, तो वो शाम को कई बार कहते हैं कि लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। कहते ना, अगर स्ट्रगल जानना है कि स्ट्रगल किसे कहते हैं, और उसके लिए आपके अंदर की एक कंटिन्यूटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको यूरेनियम चाहिए, तो आप राम से सीखिए। 15 वर्ष की आयु में चले गए थे राम विश्वामित्र के साथ, उन 16 वर्ष पर मांग लिया था वाल्मीकि रामायण में। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना विश्वामित्र लेकर गए, और उन्होंने कहा कि यदि धर्म में लाभ चाहते हो, दशरथ से कहा यदि ते धर्म लाभम च यशस्य परमं भुवि, अगर चाहते हो कि यश और आपका जीवन पूरे बागे चलता रहे तो मुझे राम दे दो, बस हूँ रामे में दातुर्मर्हसि, राम दे दीजिए। तो उसी ने वर्णन किया, दोनों को लेकर चले। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों चले। 10 दिनों की साधना में विश्वामित्र ने राम को सारे अस्त्र दिए, दंड चक्र दिया, धर्म चक्र दिया, काल चक्र दिया, बला और अतिबला विद्याएं दी। लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर नींद आ सकती है, अर्जुन के पास भी थी, इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है, अर्जुन के 12 नाम है। जब अर्जुन वहां लड़ने के लिए गया था बहनला बनकर, तो विराट के बेटे ने इसी अलवर के पास पूछा कि भाई तुम कैसे लड़ लोगे, उसने कहा मैं अर्जुन हूं। तो उसने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू अर्जुन नहीं है। उसने कहा ये हमारे हथियार टंगे हुए हैं। बोले हथियार तो कोई भी उतार सकता है। तो उसने कहा कि 12 नाम तेरे कौन से हैं बता। तो अर्जुन ने अपने 12 नाम बताए कि मेरा नाम भारत है, किरीटी है, सव्यसाची है, कौंतेय है, परंतप है, गुड़ाकेश है, 12 के 12 नामों के बारे में बताया। निद्रा पर विजय पाने वाला। तो लक्ष्मण को अति बला विद्या दी। जो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, जो लोग गुरु के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग अपने से बड़े से नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये राम की कहानी बताती है। गुरु ग्रह गए, परमगुराई आए नहीं पढ़ाने के लिए, खुद गए। आजकल क्या है, थोड़ा पैसा ट्यूटर लगा लेते हैं, घर में बुला लेते हैं। संदीपन ऋषि के पास गए कृष्ण पढ़ने के लिए, वहीं सुदामा मिले, वहीं दोस्ती हुई, गुरु रह गए, पढ़न लोग रहे, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में विद्या लेके लौट आए।
तो अतिबला विद्या दी, जिसमें आंख खोल कर आप बैठ सकते हैं। इसलिए याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, कल मैंने मैथिली शरण गुप्त की बात की थी, उनका जन्मदिन था, कि जब दोनों सोते थे सीता और राम कुटिया में, तो पूरी रात लक्ष्मण पहरा देते थे, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन वर्ष होता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस कुटीर में क्या धन है? कवि पूछता है कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, ऐसा क्या इसके अंदर है? तो गुप्त जी जवाब देते हैं, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने, इस लंका का नाश करने, इस उपभोक्तावाद की लंका को नष्ट करने के लिए, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। भरत से पूछा कि लगान कैसे ले रहा है, टैक्स कैसे ले रहा है? भरत ने कहा कि भैया जैसे हम लोग लेते थे, एक श्वाकुवंशी जैसे लेता है, सूर्यवंशी जैसे लेते हैं। तो राम ने कहा कि सूर्यवंशियों की तरह ही टैक्स लेना, जैसे सूरज टैक्स लेता है, हम सूर्यवंशी हैं। तो उसने कहा सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो तुलसी ने उसका अनुवाद करके बताया, सूरज कैसे टैक्स लेता है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो हमारी कमाई है, वो जीवन है, उसे सूरज समेटता है, समुद्र से समुद्र का समेटता है, तालाब से तालाब का समेटता है, यहां तक कि हमारी अंजूरी में जो जल है उसको भी समेट लेता है, आपको पता ही नहीं चलती, तो वो सब टैक्स ले लेता है। और उस टैक्स के पानी को सूरज अपने घर नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां वो पहुंचना चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब टैक्स ले राजा, जब राजस्थान सरकार टैक्स ले, तो पता ना चले कि कब कट गया। अभी तो हमें प्रतिफल पता चलता है कि हमारा कट रहा है, तो टैक्स कट गया आपका। राम ने कहा कि राजा ऐसे टैक्स ले कि किसी को पता ना चले, बेटा सूरज की तरह हम सूर्यवंशी हैं। लेकिन जैसे सूरज उस पानी को बादल बना के जब बरसाता है तो सब हर्षित होते हैं, मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन उसी पैसे से जब वो फ्लाईओवर बनाए, उसी पैसे से जब वो हॉस्पिटल बनाए, उसी पैसे से जब विश्वविद्यालय बनाए, तो हर आदमी कहे कि स्टेट ने क्या जबरदस्त काम किया है, सरकार ने क्या बनाया है, वाह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बरसत हर्षत सब लखें, जब बरसता है पानी, मेघ बरसता है तो सब देखते हैं, हर्ष के प्रसन्न होके देखते हैं। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय, बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु सो होए, राजा सूरज जैसा होना चाहिए। अब टैक्स लगे कैसे, किस पे कितना लगे, दोहा सुनिएगा, दोहावली का दोहा, कैसे टैक्स लगता था राम के राज्य में, मणि माणिक महंगे किए, सब ज्यादा टैक्स किस पर है, होना चाहिए किस पे, ज्वेलरी पर, हीरे पर। जब तक इस देश में एक बच्चा एक वक्त खाना खाता है, तब तक इस देश में यह आवश्यक है कि हीरे पर टैक्स लगे, मर्सिडीज पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं मणि माणिक महंगे किए, और बिना टैक्स का क्या छोड़ा, सहजे तृण जल नाज, किस बात पर टैक्स नहीं है, तृण जो पशु खाएगा, जल पानी पर टैक्स लगना चाहिए इस देश में, पानी जो जो जीवन की आवश्यकता उस पर टैक्स है। मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो जन परोपकारी शासन की जो अवधारणा है उसके मूल में राम विचार है। इसीलिए सबसे पहला जो लेख नवजीवन में 1930 में लिखा बापू ने, उसमें इस बात का जिक्र किया और साफ कहा तुलसी ने, राम की ओर से कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उसको क्या दंड मिलना चाहिए, सो नप अवस नरक अधिकारी, विषमता दूर है, राम राज बैठे तरलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयर नुकर काहू सन कोई, अगली पंक्ति ध्यान देने योग्य है, राम प्रताप विषमता खोई। इस पूरे देश में समस्या क्या है, जिन पर है उन पर अधिक है और जिन पर नहीं है उन पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद की समस्या है, इसीलिए पूंजीवादियों के खिलाफ आक्रोश है। राम ने कहा राम प्रसाद विषमता खोई, सबके लिए मूलभूत आवश्यकता तो वही होनी चाहिए। भारत का संविधान 1947 के बाद जब 1950 में अंगीकृत किया गया, भारत के संविधान की जो पहली कॉपी है जिस पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, पूरी संविधान निर्मात्री सभा के हस्ताक्षर हैं, उसके सबसे ऊपर कवर पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और नीचे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम बैठे हुए हैं।